इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय की ओर से शुक्रवार को विश्वविद्यालय के डबोक परिसर में आयोजित 18वें दीक्षांत समारोह में असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को डीलिट की मानद उपाधि प्रदान की गई, साथ ही प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। दीक्षांत समारोह में शिक्षा, भूगोल, सोशल वर्क, कंप्यूटर एंड आईटी के शोधार्थियों को उनके शोध कार्य के लिए पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई। कुलपति कर्नल प्रोफेसर एसएस सारंगदेवत ने विद्यापीठ विश्वविद्यालय की अब तक की प्रगति की चर्चा करते हुए कटारिया का स्वागत किया। विशिष्ट अतिथि जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय के कुल प्रमुख बीएल गुर्जर थे। अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलाधिपति प्रोफेसर बलवंत राय जानी ने की। अपने दीक्षांत उद्बोधन में राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने संस्थापक जन्नू भाई को वंदन करते हुए कहा कि मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि जिस संस्थान में मैं विद्यार्थी के रूप में आया था और अध्यापन किया था, आज वहाँ पर सम्मानित व दीक्षित हुआ हूँ। कुलपति कर्नल प्रोफेसर एस एन सारंग देवत ने कहा कि 3 रुपए से शुरू हुई जन्नू भाई की संस्था अब 70 करोड़ का वटवृक्ष बन चुकी है। हमारे पास 200 पेटेंट, 12 कॉपीराइट्स के साथ ही सभी प्रकार के पाठ्यक्रम हैं। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष रविंद्र शिमाली, देहात अध्यक्ष चंद्रगुप्त सिंह, अतुल चंडालिया, राव अजात शत्रु, दीपक शर्मा, जगदीश पालीवाल, रजिस्ट्रार डॉक्टर तरुण श्रीमाली, पीठास्थवीर डॉक्टर कौशल नागदा, डीन पीजी डॉक्टर एफएस मेहता, डॉक्टर युवराज सिंह सहित कई डीन, डायरेक्टर्स, विभागाध्यक्ष मौजूद रहे। टेक्नो इंडिया NJR उदयपुर का गत 14 वर्षों से टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, जिसके छात्रों की प्रतिभावान सफलता का उदयपुर साक्षी है। पिछले 14 वर्षों से टेक्नो इंडिया NJR के स्टूडेंट्स गूगल, फेसबुक, IBM, TCS, इंफोसिस जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में सफलतापूर्वक कार्यरत हैं। टेक्नो इंडिया NJR कलड़वास उदयपुर। एडमिशन्स ओपन